हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे गाइस। आज जो बेसिकली मैं बात करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक है कि आप अपने KYP कोर्स में बेहतर रिजल्ट कैसे लेके आ पाएंगे, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपने KYP कोर्स कर लिया है तो कोई बात नहीं है, आपको जो भी मार्क्स मिला जो भी मिला आप उनको इग्नोर करिए। बट अभी जो KYP कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिनसे कि आपका जो स्कोर है वो एक सही मतलब स्कोर बोल सकते हैं कि सही स्कोर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप जब आप KYP कोर्स कर रहे हैं उसका जो फंडामेंटल मतलब उसकी जो फंडामेंटल बातें हैं, जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें करना होता है, क्या क्या वर्क इसमें अंदर करना होता है, वो सारी चीज़ आप लोग पहले ये माइंड करें। और दूसरा चीज़, आप लोग रेगुलर क्लास जाएँ, क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि 3 मंथ का कोर्स है। इसमें अगर आप अब्सेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, आपका सेशन का नुकसान हो रहा है, आप सेशन छूट रहा है और बाद में आपको ये सारे सेशन मैनेज करने में बहुत मतलब बहुत सारी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेशन को मैनेज करना सेशन पढ़ने से ज़्यादा कठिन है। अगर आप जितना सेशन छोड़ रहे हैं अभी तो वो आगे जाके आपको मैनेज करना होगा, जो कि आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा उस टाइम मैनेज करने में। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम अब्सेंट करें। 3 मंथ का कोर्स है आपका, 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम डेट जो भी है आपका वो 3 मंथ के बाद डेफिनेटली वो आना ही है। ऐसा नहीं होगा कि 4 महीना 5 महीना लगेगा, पक्का 3 मंथ, थोड़ा 5-10 दिन आगे जाएगा बट आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। सेशन अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं आए, क्योंकि KYP का क्रिटेरिया है जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे आपका नाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं आएगा। कोर्स की जहाँ तक बात करें तो कम से कम आपको कोर्स 110 सेशन तो करना ही चाहिए फाइनल एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए। बाकी मार्क्स का क्रिटेरिया अलग अलग है, डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं। आप अपने LF से पूछ सकते हैं कि सर क्या क्या क्रिटेरिया है। क्लास में क्लिकर बना रहे होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि आप आंसर गलत नहीं देंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका आंसर सही हो, क्योंकि आपको मालूम है KYP कोर्स जो है 3 सब्जेक्ट है, 3 कोर्स है, BSc IT, BSc LS और BSc SS। ये तीनों 100 का है, लेकिन 100 कहीं एक जगह से आपको नहीं मिल रहा है, ये आपको अलग अलग जगह से ये मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आप क्लास कर रहे हैं, क्लिकर बना रहे हैं, वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो क्लासरूम में जो मार्क्स है वो टोटल 20 मार्क्स का है, और उसके बाद फिर आप लैब जाते हैं, लैब में भी आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा एक्टिविटी बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टोटल मिलता है 60 नंबर। और जब 60 और 20 इधर 80 हो रहा है, फाइनली जो 20 नंबर है आपको ये मिलेगा आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम से। जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा KYP का तो वो 20 नंबर का होता है, उसमें आप जितना ला सकते मतलब जितना आप ला सकते हैं उसके अंदर 20 के अंदर जितना नंबर आप ला सकते हैं, तो कुल मिला के सारा मार्क्स जो है आपका ऐड होके आपके सर्टिफिकेट में ऐड होता है। तो जब भी आप एक्टिविटी बनाएं तो ध्यान से बनाएं, कोशिश करें कि हम ना के बराबर गलती करें, यही आपको आगे चल के हेल्प करेगा, आगे आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं इस विषय में बात करने के लिए, KYP के बारे में बात करने के लिए, बट फिर कभी आप लोगों से फिर मैं मिलता हूँ। और आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कुछ भी जानना हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर को देने का। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, चाहे KYP कोर्स कर रहे हो या फिर कुछ और पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ाई जब भी करिए मन से करिए, क्योंकि आपका मन से किया हुआ काम ही आपको बेहतर रिजल्ट देता है। किसी काम को आप अगर ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको ऊपर ऊपर ही मिलेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी काम को दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, पढ़ाई कर रहे हैं, KYP कोर्स कर रहे हैं, कुछ और सीख रहे हैं, तो आप उसको मन लगा के सीखिए, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। तो चलो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।